हेलो दोस्तों, आप लोगों ने कहीं बार नोटिस किया जो इंडियन आर्मी के वही मेंबर्स होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स और नंबर प्लेट्स जो होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू सिविलियन व्हीकल्स। दरअसल असल में बात होती है रजिस्ट्रेशन होते हैं उनको डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के तहत और इसीलिए उनको मोटर व्हीकल एक्ट भी लागू नहीं होता है। जो आप क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप गैदर इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते, जो इंडियन आर्मी के व्हीकल जो नंबर होते हैं, जो पहला एरो होता है वो अपवर्ड एरो होता है, उसे हम ब्रॉड एरो के नाम से जानते हैं। उसके बाद ठीक जो डिजिट्स होते हैं वो वही कैलकुलेट ये रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं। ठीक उसके बाद जो अल्फाबेट नंबर होता है वो डी और बी जो अल्फाबेट, डी आर्मी ट्रैकर्स के लिए होता है और बी आर्मी जिप्सी के लिए होता है ये नंबर। ठीक उसके बाद जो 6 डिजिट्स होते हैं वो व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं। ठीक उसके बाद जो लास्ट में अल्फाबेट होता है वो सीरीज को, इसका व्हीकल उस सीरीज को दर्शाता है।